सी रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स बेसिक डिफरेंस वाज रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. लाइक ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर. ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रेकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स फॉर एग्जाम्पल 4.32. बस डेसिमल स्टॉप हो गया. सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ तो दिस इज अ रैशनल नंबर. ओके देन रेकरिंग डेसिमल. रेकरिंग डेसिमल मीन्स 4.33333333. ये रेकरिंग डेसिमल है. सेम नंबर इज गेटिंग रिपीटेड. दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ओके एंड इरैशनल नंबर मीन्स वॉट. इरैशनल नंबर मीन्स विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. मतलब जिसकी फिक्स्ड वैल्यू आपको पता ही नहीं. ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल पाई. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ पाई. 3.1428. ये कंटिन्यू होते ही रहता है. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब जिसकी कितने वैल्यूज है ये कभी खत्म ही नहीं होगा. इसके डेसिमल प्लेसेस चलते ही जाएंगे. ओके 22/7 पाई की 22/7 को डिवाइड करके ही 3.1428 आता है. ठीक है सो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग. ओके नॉन टर्मिनेटिंग बोलो या फिर रैशनल इरैशनल नंबर्स के लिए नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं. नॉन रेकरिंग ये सब इरैशनल नंबर्स होते हैं. नॉन रेकरिंग इज ऑल्सो इरैशनल नंबर. ओके जस्ट आपके इंट्रोडक्शन के लिए आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ जो मैंने और 1B में किया था थोड़ा बहुत. जैसे कोई भी जैसे कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है फॉर एग्जाम्पल √2. √2 की वैल्यू है. अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करो √2 की वैल्यू क्या होती है तो आप देखोगे. जैसे देखो आपको मैं दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ √2. नहीं ये क्या हो गया 2√. क्या वैल्यू दिख रही है √2 की कैलकुलेटर पे देखेंगे तो 1.41421356233095. ये वैल्यू दिख रही है हमें. सी ये वैल्यू आ रही है. ये जो वैल्यू है √2 की विच इज 1.41421356233 ये कंटिन्यू होता है. अब जितना कैलकुलेटर में आपको दिख रहा है सिर्फ उतनी ही वैल्यू नहीं होती, उससे भी आगे होती है. कैलकुलेटर सिर्फ उतना ही दिखा सकता है जितना उसकी स्क्रीन की साइज है. ओके उससे आगे वो दिखा नहीं सकता. बट √2 को अगर आप करते जाओगे डिवाइड करते जाओगे तो ये आगे चलते ही जाएगा. ये कभी एंड ही नहीं होगा. तो इन टाइप्स के नंबर्स को कहते हैं हम इरैशनल नंबर. ओके अब एक्सरसाइज 1C में रैशनल इरैशनल से थोड़ा आगे बढ़ना है हमें. हमें एक्सरसाइज 1C में ये देखना है वॉट आर सर्ड्स. एक्सरसाइज 1C में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव इज सर्ड्स. ओके तो सर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा एग्जाम. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर सर्ड्स. ठीक है तो सर्ड्स क्या होता है. हमने रैशनल नंबर्स पढ़ा, हमने इरैशनल नंबर्स पढ़ा. ठीक है सर्ड क्या होता है. सर्ड भी इरैशनल नंबर ही होता है. ठीक है बट वो स्पेसिफिक टाइप का इरैशनल नंबर होता है. उसके कुछ कंडीशंस है तो हम उनको सर्ड कहते हैं. ओके सर्ड भी इरैशनल नंबर का ही टाइप है. ओके बट कैसे पता चलता है कोई नंबर सर्ड है. उसको आपको मैं 3 कंडीशन बताता हूँ. उन तीनों को आपको सेटिस्फाई होना चाहिए. वो तीनों अगर सेटिस्फाई होंगे तो इट इज अ सर्ड. ओके क्या कंडीशन है. रूट के अंदर जो नंबर है, रूट के अंदर जो नंबर है दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. हमेशा जो आपका क्वेश्चन होगा ना हमेशा वो रूट के अंदर ही होगा. रूट के अंदर जैसे √2 होगा, √55 हो गया, √180 हो गया, √7/2 हो गया. हमेशा रूट तो रहेगा ही. ठीक है सो फर्स्ट कंडीशन इज रूट के अंदर जो नंबर है दैट नंबर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर. ओके रूट के अंदर जो नंबर है दैट शुड बी अ रैशनल नंबर. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. ठीक है रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या होना चाहिए. रैशनल नंबर. ठीक है एंड थर्ड कंडीशन इज ये रूट को अगर आप सॉल्व कर दो, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो. ठीक है
So it should not be a perfect number. It should not be a perfect number. Yeah, main keh sakta hu, it should be an irrational number. Iska kya matlab? Iska matlab ye hai. Iska matlab ye hai that इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको तीनों कंडीशंस को एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स से मैंने आपको नंबर दिया रूट 180, ठीक है. मैं पूछ रहा हूँ आपको कि इज दिस अ सर्ड और नॉट, तो आप कंडीशन चेक करो. सबसे पहले आप देखो रूट साइन तो होगी, ठीक है. रूट के अंदर जो नंबर है क्या वो नंबर पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कंडीशन सही होगी, ठीक है. सेकेंड कंडीशन देखते, रूट के अंदर जो नंबर है क्या वो नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है. सारे नॉर्मल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 180, -1, -2, 2/5, ये सब रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है. नॉर्मल नंबर सब रैशनल नंबर्स होते हैं, तो 180 एक रैशनल नंबर भी है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, ठीक है. थर्ड कंडीशन क्या है कि इस पूरे रूट को अगर आप सॉल्व करो तो वो सॉल्व नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट नंबर, मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब या ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए. तो क्या रूट 180 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, ये सॉल्व नहीं होगा, करेक्ट. तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कि वो सॉल्व नहीं होना चाहिए. सॉल्व नहीं होने का मतलब इट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है. तो थर्ड कंडीशन क्या है, इट शुड बी अ इरेशनल नंबर, वो भी सही हो गया. तीनों कंडीशन सही हुआ, देयरफॉर इट इज अ सर्ड. समझ रहे, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बांट बैठ. अभी वैसे हम लोग 10-12 सम, 14 सम्स आएंगे, 14, हाँ 14 सम्स है, 14 सम्स कर लेंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या होता है. बट फिर भी आपको आइडिया तो आया कि मैंने जो तीन कंडीशंस दिए हैं वो सही है, ओके. कैसे सही करना है उनको. ये तीन कंडीशंस इन्होंने टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, टेक्स्ट बुक में ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ओके. तो ये आपको, आप कॉपी कर लो ये, ठीक है. और इसी कंडीशन के बेसिस पे मैं आपको हर एक सम करके दिखाऊंगा, ओके. तो आप इसको कॉपी कर लो. चलो, फर्स्ट सम क्यूब रूट ऑफ 81, ठीक है. क्यूब रूट ऑफ 81 स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. चलो बताओ आप लोग मुझे, फर्स्ट कंडीशन इज 81 अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है. नो, 81 पॉजिटिव है, ठीक है. सेकंड, 81 एक रैशनल नंबर है, 81 एक रैशनल नंबर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है. क्या क्यूब रूट ऑफ 81 सॉल्व हो सकता है? 81 किसी का क्यूब है? नहीं, 81 किसी का क्यूब नहीं है. 81 को अगर आप फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 81 इज 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार 3 आ जाएगा. क्यूब रूट के लिए 3 बार 3 आना चाहिए. अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे, सिंप्लीफाई भी करोगे, तो ये 3 3 का पेयर बन जाएगा, 1 3 विल कम आउट, करेक्ट. बट फिर भी ये रूट साइन तो है ही, अभी तक परफेक्ट नंबर तो नहीं मिला आपको, ठीक है. वैसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, ओके. तो 81 जो है वो किसी नंबर का क्यूब रूट नहीं है, ठीक है. तो आपके तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, देयरफॉर इट इज अ सर्ड.
नेक्स्ट करें रूट 140। नाउ टेल मी 140 पॉजिटिव है, 140 रैशनल है और 140 किसी का स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर रूट दिया है। नहीं है, इट इज अ सर्ड। थर्ड वन, फोर्थ रूट ऑफ 250, फोर्थ रूट ऑफ 40 एंड देर इज अ मल्टीप्लीकेशन साइन इन बिटवीन। बिकॉज देर इज अ मल्टीप्लीकेशन साइन इन बिटवीन मैं इस फोर्थ रूट को कॉमन ले सकता हूं। तो ये बन जाता है 250 इंटू 40। वॉट इज 250 इंटू 40? 250 24, 25 इंटू 4 इज 100 और दो जीरोस को ऐड कर लेंगे सो इट इज 10,000। क्या 10,000 फोर्थ रूट 10,000 का ले सकते हैं हम? 10,000 क्या होता है? 10,000 इज नथिंग बट 10 raised to 4। ठीक है, 10,000 इज नथिंग बट 10 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 होगा, तो फोर्थ रूट हो जाएगा इसका, आंसर 10 आ जाएगा। आंसर आ गया करेक्ट, तो इट इज नॉट अ सर्ड क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं रहा अभी, ये रैशनल नंबर। हाँ हाँ, तो इसका आंसर रैशनल नंबर आ गया। ओके, देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड। मतलब जो सर्ड हो गए ना उसमें टेक्सटबुक लिखेगा सर्ड, जो सर्ड नहीं हो गए ना उसमें टेक्सटबुक लिखेगा कि वो सर्ड क्यों नहीं है, तो क्योंकि वो रैशनल नंबर। वैसे हाँ, हम एक काम करते, हम ऐसा लिख देते दैट 10 इज अ रैशनल नंबर, आप ऐसा लिख दो। हाँ, सो 10 इज अ रैशनल नंबर, therefore it is not a sir. Cube root of 9 and cube root of 24. So let us take the cube root common. So it will be 9 into 24. What is 9 into 24? 216. Kya 216 kisi ka cube hai? 216 6 ka cube hota hai. So iska answer aa jayega 6. So again same reason. Six is a rational number, therefore it is not a sir. Fifth one, you tried on your own. Not
क्यूब रूट ऑफ 64 फोर हो जाएगा, अगेन सेम सेम आ जाएगा यहाँ पे रीजन, फोर इज अ रैशनल नंबर देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड. ठीक है चलो सिक्स देखते, क्यूब रूट ऑफ 3 + √5. ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन, रूट के अंदर जो नंबर है क्या वो पॉजिटिव है? ठीक है, रूट के अंदर जो नंबर है क्या वो रैशनल है? क्या रूट फाइव रैशनल नंबर है? रूट फाइव रैशनल नंबर नहीं है, रूट फाइव एक इरैशनल नंबर है. इधर ही खत्म हो गया सब. ठीक है आपको इधर ही रीजन लिख देना है दैट रूट फाइव इज नॉट अ रैशनल नंबर. तो रूट फाइव नॉर्मल नंबर थोड़ी है, रूट फाइव का वैल्यू ही नहीं आता है वैसा. कोई भी ऐसा रूट जिसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो इरेशनल नंबर है. जैसे रूट सेवन बोलो, रूट सिक्स बोलो, रूट एट बोलो, रूट टेन बोलो, रूट इलेवन बोलो, ये सबका आंसर नहीं आएगा. किसका आंसर आएगा? रूट फोर का आएगा, रूट नाइन का आएगा, रूट सिक्सटीन का आएगा. इनका परफेक्ट आंसर आएगा 2, 3, 4, बाकी किसी का नहीं आता, बाकी सब इरेशनल नंबर है. रूट के साइन के साथ बाकी सब इरेशनल नंबर है. पाए, पाए आ गया ना कभी भी, तो पाए एक इरेशनल नंबर होता है. तो पाए अगर आपको दिख गया ना तो पाए इज इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए अंदर, रूट के अंदर इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, तो सीधा इट इज नॉट अ सर्कल. पाई आपको कभी भी दिख जाएगा ना तो सीधा समझ लो पाई इज इरेशनल, तो वो थर्ड होता ही नहीं. अच्छा 243 किससे डिविजिबल है? 243 3 से, तो 3 से जैसे 3 8 जा 1 जा, 3 2 जा 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 3 raised to 5 आ रहा है. तो ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा ना, तो इट इज वही. यस तो आपका रीजन क्या आएगा? इट इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड. थ्री इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड. कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन आया तो बताओ मुझे. थ्री इज अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं, फिफ्थ रूट ऑफ 243, 243 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं, फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट बोलते हैं उसको. नाइन्थ
रूट के अंदर जो नंबर है इरेशनल है। नेगेटिव तो ये साइन है, नेगेटिव नहीं बोल सकते इस नंबर। मुझे बताओ क्या 3 माइनस 2 एक नेगेटिव नंबर है? सब्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव आएगा ना आंसर। 3 माइनस 2 को आप नेगेटिव नहीं कह सकते, तो नेगेटिव तो नहीं है। बट ये इरेशनल नंबर है, √3 √2 तो इरेशनल है, तो नॉट अ सर्ड हो गया। ऐसे ये वाला मतलब कौन सा? थर्ड नहीं है, रूट के अंदर जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है ना। नेक्स्ट, अब ये जो 10th वाला सम है इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सीधा सीधा आंसर नहीं लिख सकते, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? देखो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में एक्सपोनेंट्स चैप्टर में कि रूट साइन जो होती है इसको मैं पावर में 1/2 लिख सकता हूँ। ये पढ़ा है, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा जाता है, बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब कोई नंबर नहीं है, मतलब 2 होता है यहाँ। स्क्वायर रूट मतलब 2। क्यूब रूट के लिए 3 लिखते हैं, फोर्थ रूट के लिए 4 लिखते हैं, फिफ्थ रूट के लिए 5 लिखते हैं, वैसे स्क्वायर रूट के लिए 2 लिखा जाता है। ओके, तो स्क्वायर रूट को मैं पावर में 1/2 भी लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट के साइन को मैं पावर में 1/2 भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको और समझ में आएगा अच्छे से। मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5। ये एक्चुअल में सॉल्व कैसे होता है? ये जो स्क्वायर रूट साइन है ये बन जाता है पावर में 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 25:1/2। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, समझ रहे हो? ये 5 का स्क्वायर इनटू 1/2 और ये 2 कैंसिल होता है, तब आपको क्या मिलता है? 5:1। 5:1 इज 5। आप सीधा आंसर लिख देते हो, √5 √25 इज 5, बट एक्चुअल में ये प्रोसेस हो रहा है पीछे। समझ रहा है मैंने क्या बताया? समझ रहा है? तो ये स्क्वायर रूट का मतलब सेम चीज क्यूब रूट के लिए भी होगा। अगर आप लिखते हो क्यूब रूट ऑफ 64, करेक्ट, तो क्यूब रूट ऑफ 64 मीन्स इट इज 64:1/3। व्हाट इज 64? 64 इज 4 क्यूब, सो दिस क्यूब क्यूब कैंसिल्स एंड यू गेट द आंसर एज 4। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो क्यूब रूट साइन है इट बिकम्स 1/3 इन द पावर, ये जो स्क्वायर रूट साइन है इट बिकम्स 1/2 इन द पावर। समझ रहे हैं? पक्का? तो अब यहां पे इस केस में आपके पास पहले तो एक स्क्वायर रूट साइन है, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 5 के पावर में आ जाएगा 1/2, करेक्ट। अब आपके पास एक क्यूब रूट की साइन भी है, ये क्यूब रूट है ना दूसरी साइन, तो क्यूब रूट की साइन भी है, तो क्यूब रूट की साइन क्या होता है? 1/3, ठीक है, और ये पहले से आपके पास 1/2 भी है क्या? क्या बोल रहे हो? स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना ये स्क्वायर, ये कुछ नहीं होता है, मतलब 2 होता है, तो इस स्क्वायर रूट को मैंने लिखा 1/2 और फिर इस क्यूब रूट को मैंने लिखा 1/3, ठीक है। अब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, व्हाट इज 1/3 × 1/2? 1/3 × 1/2 इज 1/6, सो ये आपका नंबर बन गया
आपका नंबर बन गया 5 raised to 1/6। और 5 raised to 1/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6th root of 5। सही होगा, 5 raised to 1/6 इज नथिंग बट 6th root of 5। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब आप सर्ट्स की कंडीशन लगाओ कि क्या 5 एक पॉजिटिव नंबर है, क्या 5 रैशनल है, 5 एक रैशनल नंबर है क्या, 5 सिर्फ 5 5 एक रैशनल नंबर ही है ना, रूट 5 रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है, 5 तो नॉर्मल नंबर है ना, 5 हर एक नॉर्मल नंबर तो रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है, आपको रूट के अंदर क्या नंबर है, रूट के अंदर है 5। अगर अगर ऐसा होता कि रूट के अंदर दिया होता √5 + 1, तो ये रूट के अंदर एक √5 नंबर होता जो इरेशनल है ना, हमें तो सिर्फ रूट के अंदर देखना है, तो रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव भी है रैशनल भी है, और क्या ये रूट सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 6th root बोला है, 6th root पॉसिबल ही नहीं है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, देयरफॉर इट इज अ नाइन्थ क्या लिखा, सीधा नॉट अ सर्ड क्योंकि नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो ये तो नॉट अ सर्ड हो गया बिकॉज -9 नेगेटिव नंबर है, ट्वेल्थ। अच्छा, ट्वेल्थ में रूट के अंदर जो नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है, बट ये जो नंबर है ये रेकरिंग नहीं है, इसको आप रेकरिंग बोलोगे क्या, आप ध्यान से देखो नंबर क्या है, 04, फिर 004, फिर 0004, फिर 4 times 04, अगर ये नंबर ऐसे होता 0404004 तो इसको रेकरिंग कहते, अगर या तो फिर नंबर ऐसे होता 0004004004, अगर रिपीटेशन होता पैटर्न तो ये रेकरिंग होता, बट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो जीरोस बढ़ते जा रहे, तो दिस इज नॉन रेकरिंग, और कोई भी नॉन रेकरिंग नंबर होता है इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, तो मतलब रूट के अंदर एक इरेशनल नंबर आया 0.04004004 इज एन इरेशनल नंबर, तो अगर रूट के अंदर इरेशनल नंबर है तो क्या होगा, नॉट अ सर्ड होगा,
तो वो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, रिपीट होने का मतलब ही रिकरिंग है। क्या हो गया? अरे इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। क्यूब रूट को मैं लिख सकता हूं, क्यूब रूट इज 1/3 और पावर में ऑलरेडी 6 भी है। सी ये जो क्यूब रूट है इसको मैंने लिख दिया 1/3 और पावर में ऑलरेडी 6 था, तो 3 और 6 कैंसिल होगा, तो आपको आंसर मिलेगा 7 raised to 2 which is 49। ये तो सॉल्व हो गया, नंबर आंसर आ गया, तो इट इज नॉट रैशनल नंबर आ गया ना। लास्ट वन 14th वन तो बहुत सिंपल है, क्यूब रूट ऑफ 7/5। क्या 7/5 एक पॉजिटिव नंबर है, रैशनल नंबर है 7/5, ठीक है, और इसका कोई आंसर भी नहीं आएगा, तो इट इज अ सर्व। ठीक है, सुन रहे हो गया। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, रैशनलाइज कैसे होता है, ब्रैकेट ओपन कैसे होता है, वो सब सीखोगे यहाँ पे, और उसको आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझ रहे हैं? एक्सरसाइज का पैटर्न बताओ, स्ट्रक्चर बताओ।
जो 2, 3, 4, 5, 6 है वो एग्जाम में आएगा नहीं, बट वो किए बिना आपको 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे बेसिक्स है उस पर हम फोकस करते हैं, और लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। See, express the following search in simplest form. बहुत सिंपल है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो आपका नंबर है √75 फॉर एग्जाम्पल, तो 75 को आप प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज मतलब पहले 2 से ट्राई करते, 2 से होगा ये 3, 2 के बाद 3 आता है, 3 से ट्राई करते, 3 से होगा 3 2 3 5, अब 5 से होगा 5 5 5 1, ठीक है, तो मतलब √75 इज नथिंग बट 3 × 5 × 5, सो 5 का तो पैर बन गया, तो 5 विल कम आउट, तो √3 आ जाएगा, 5√3। ये जो पैर बन जाता है उसका एक नंबर बाहर आ जाएगा, करेक्ट, सो दिस बिकम 5√3, दैट्स इट। तो रूट चला गया, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, समझ गया, बस यही है, सिंप्लीफाई करना था खाली। ट्राई करो नेक्स्ट वाला खुद से, 80 को पहले प्राइम फैक्टराइज करना। टू टू के दो पैर जा रहे हैं, तो 2 बार 2 बार आएगा और 5 अंदर ही रहेगा, तो 3 नंबर का पेयर बनेगा। नेक्स्ट कर रहे हो 96, प्राइम फैक्टराइज करो, क्या हो रहा है? तो दो दो का पैर बन रहा है, 2 2 बाहर आ जाएगा, वो अंदर रहेगा, उसका पैर नहीं है ना, हाँ तो 6 जो पैर होता है वो नंबर बाहर आएगा, बाकी नंबर बाहर नहीं आएंगे।
देन सब क्वेश्चन फोर, वन वन ट्वेल्व है ना, वन वन टू, सो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो बस सब ऐसे ही करना है। टू पेयर्स, सो आंसर इज 4 root 7। सॉल्व सॉल्व। सारे किए, रूट 162 का आंसर क्या आया? सिक्स का आंसर क्या आया? सेवन रूट फाइव, राइट? ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, सी राइट द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? किसी नंबर को अगर आपको रैशनल बनाना है तो उसको बनाने के दो टाइप होते हैं। मतलब जैसे फर्स्ट सम देखते हैं पहले, तो ये √32 है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर क्यों है? सबसे पहले √32 को आपको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है।
सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हो आप, डिवाइड करते हो, जैसे अभी हमने सीखा प्रीवियस सम में, ठीक है, तो ये होगा 16, 8, 4, 2 और 1, तो आपको कितने टाइम्स टू आया अंदर, 5 टाइम्स टू आया है, करेक्ट। 5 टाइम्स 2 आने का मतलब 2 पेयर बन रहा है, तो दो दो बार टू बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा, करेक्ट, तो आपका आंसर आया 4√2। अब ये नंबर एक इरेशनल नंबर है, ये नंबर क्यों है इरेशनल नंबर, बोलो जो दिमाग में आ रहा है बताओ। √2 है इसीलिए ये इरेशनल नंबर, अगर √2 नहीं होता तो इरेशनल हो जाता ये नंबर। तो इस नंबर को रैशनल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो ये इरेशनल नंबर होता है ना उसी से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस नंबर को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, √2 × √2 कितना होता है, ध्यान रखो √2 × √2, तो रूट कैंसिल हो जाता है, √2 × √2 को आप कह सकते हो कि √2 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, करेक्ट, तो 2 बचता है, या इसको ऐसा भी समझ सकते हो √2 × √2 इज √2 × 2 विच इज √4 विच इज 2, ठीक है, इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो, इस तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक है, सेम नंबर के रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट साइन चली जाती है, ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 × 2 विच इज 8, मतलब आपका नंबर जो था वो अभी रैशनल बन गया, 8, क्यों रैशनल बना, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, आपने √2 से मल्टीप्लाई किया, तो √2 इज कॉल्ड योर रैशनलाइजिंग फैक्टर, √2 वो नंबर था जिससे आपने मल्टीप्लाई किया और जिससे वो नंबर रैशनल बन गया। तो आपको पूछा है क्वेश्चन में कि राइट द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, सो योर रैशनलाइजिंग फैक्टर, देयरफॉर इस क्वेश्चन में आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √2, समझ रहे, रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √2, दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये मल्टीप्लाई हुआ ना √2 × √2 2 हो जाता है, सेकेंड करें, पहले √48 को सिंप्लीफाई करो, क्या मिला, 2 × 2 × सो पेयर किसका किसका बन रहा है, सो 2 × 2 विल कम आउटसाइड, सो आंसर इज 4√3, दैट मीन्स यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद √3,
करेक्ट, भले ही आप इसके आगे सॉल्व ना करो, भले ही आप ये दो स्टेप्स ना करो, वो नंबर क्या है, फिर भी आपका आंसर ये होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट। रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट है। Six root two, that means your rationalizing factor is root two. हाँ कौन सा आंसर? हाँ हाँ करना है, करो। डन, सब क्वेश्चन 1, 2, 3 हो गया, ठीक है। अब सब क्वेश्चन 4, 5, 6, ये जो 4, 5, 6 है, इसमें आपको दूसरा तरीका, इसमें ज्यादा आसान तरीका इस पर, इसमें क्या करना होता है, हो गया सबका 1, 2, 3 हटा दूं, सी इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन सब क्वेश्चन 4, 5 और 6 में, यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स है, 5√3 + 8, ये टर्म है एक, 5√3 + 8, इसको अगर आपको रैशनलाइज करना है तो आपको इस सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बट साइन ऑपोजिट होनी चाहिए। रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई करो। क्यों ऐसा करते हैं हम, बिकॉज जब आप इसे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीन्स 5√3 + 8, 5√3 - 8, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये a + b a - b, एंड व्हाट इज a + b into a - b, a² - b²। तो व्हाट, यहाँ पे a क्या है आपका 5√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और b क्या है आपका 8, सो 5² = 25, रूट थ्री का स्क्वायर क्या है 3, -8² = 64, 75, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ आपका, ये आपका जो आपने मल्टीप्लाई किया,
रूट सेवन माइनस रूट फाइव, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? ठीक है, सो दिस विल बिकम रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर, सो दैट इज सेवन माइनस फाइव, आंसर इज टू. सिंपल. नेक्स्ट इज रूट सिक्स प्लस रूट थ्री, विल गेट मल्टीप्लाई विद रूट सिक्स माइनस रूट थ्री. क्वेश्चन नंबर फोर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. इसमें क्या करना है? आसान क्वेश्चन है, आपने जो भी सीखना था वो आप सीख चुके हो. अब इसमें अप्लाई कैसे करना है ध्यान से देखो. ये जो एक एक टर्म्स दिख रहे हैं ना आपको, रूट 75, रूट 12, रूट 27, इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना. रूट 75 क्या होगा, आप जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 3 × 5 × 5. रूट 12 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 2 × 2 × 3. रूट 27 को जब आप करोगे तो इट विल बी 3 × 3 × 3. जो प्राइम फैक्टराइज आप कर रहे हो ना उसको आपको फेयर में दिखाने की जरूरत नहीं है. मतलब आप दिखा भी सकते हो, आप साइड में यहाँ पे कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, बट वो आपके सम का आप रफ में भी कर सकते हो उसको. और अगर आपको ओरली आ रहा है, जैसे 12 बहुत छोटा नंबर है तो आपको ओरली आ रहा है 12 is 2 × 2 × 3, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब पेयर्स किसके बन रहे हैं? 5 और 5 पेयर है, 2 and 2 इज पेयर एंड 3 and 3 इज पेयर. सो दिस विल बिकम 5√3, दिस विल बिकम 2√3 एंड दिस इज 3√3. नाउ आप रूट को, अच्छा यहाँ पे प्लस था, ठीक है सुनो, आप रूट को दो नंबर्स जो रूट में है उनको ऐड कब कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 5√3 + 7√3, एडिशन पॉसिबल है क्योंकि रूट सेम है तो एडिशन पॉसिबल है. ठीक है, अगर रूट डिफरेंट होता मैं यहाँ पे लिखता 5√3 + 5√2, तो यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं क्योंकि रूट के नंबर्स डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पे सब सेम है, तो व्हाट इज 5√3 − 2√3? 5 − 2 इज, तो ये बन जाएगा 3√3. 5√3 में से 2√3 माइनस कर दिया तो 3√3, प्लस बचा है यहाँ पे 3√3. 3 + 3 इज, दिस इज योर आंसर. समझ रहे हैं? सारे सम ऐसे ही करते, सेम तरीके से. ठीक है, एक भी होमवर्क नहीं दे रहा मैं, सबके सब यहां पे करेंगे.
रूट 11 तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको ऐसे ही रख दो। रूट 99 है तो इट विल बी 3 × 3 × 11 एंड रूट 44 इज 2 × 2 × 11। नाउ 3√11 विल बी एज इट इज, यहाँ पे 3 बार आ जाएगा, 3 कॉम्पेयर है तो वो 8 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार आ रहा है सो दिस इज 2√11। योर फाइनल स्टेप इज 3√11 प्लस 24√11 माइनस 2√11। नाउ 3 + 24 विल गिव मी 27√11 माइनस 2√11। माई फाइनल आंसर इज 25√11। बोलो डाउट बोलो, मैं समझ जाऊं। हाँ तो तू बाहर आया ना, तू था ही किधर पहले? यहाँ पे यहाँ स्क्वायर रूट का 2 नहीं है वो, ये अलग से 2 नंबर है। ये जो है ना, ये अलग से 2 नंबर दिया हुआ है इस बार। स्क्वायर रूट का साइन तो है ही अलग, मतलब आप समझ रहे हो कि ये ऐसा दिया है, ये ऐसा दिया हुआ। हाँ रूट 7। √7 means √7। शाबाश।
फोर्थ कर रहे हो? फोर्थ
डन, क्वेश्चन नंबर 4 डन। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5। एक्सपांड, आपने एक्सपांशन में जो फॉर्मूलाज पढ़े बेसिक फॉर्मूला a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बस वही बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। सो यू हैव फर्स्ट इज एक्सपांड 2 + √5 द होल स्क्वायर। सो ये एक टर्म, ये आपका a है और ये आपका b है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी द होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट? यही होता है। सो दिस इज 4 प्लस 2 × 2 इज 2 × 2 कितना होता है? 4 × √5 4√5 नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो इट इज 4 × √5 इज 4√5 प्लस √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5, रूट साइन हट जाएगी। सो 4 + 5 इज 9, योर आंसर इज 9 + 4√5। बस एक्सपांड करना है फिर। Then third थोड़ा important है, बिकॉज उसमें मल्टीप्लाई करने में आपको ध्यान देना है कि आप किसको क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से करना है थर्ड वाला। a माइनस बी द होल स्क्वायर है, सो इट इज a स्क्वायर माइनस 2, दिस इज a
एंड दिस इज बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी इज 5√2 स्क्वायर। पहले तो प्रॉपरली स्टेप लिखो एक्सपांड करके, ठीक है। अब एक एक चीज को ध्यान से समझो, पहले तो मैंने स्टेप लिख दिए, नाउ 2√3 का स्क्वायर करना है। सो पहले 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर है 3, सो दिस विल बिकम 4√3 माइनस, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ये पूरा एक टर्म है, जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 5, सो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 हो गया, करेक्ट। अब रूट को अलग से मल्टीप्लाई करो, सो √3 × √2 = √6, अंडरस्टूड, नंबर्स को अलग से, रूट को अलग से, हियर इट, कहाँ पे कहाँ है स्क्वायर, वो स्क्वायर थोड़ी है, हाँ √2 का स्क्वायर ना, मतलब तो वही 2 आ जाएगा, तो 12 + 50 = 62 − 20√6 इज योर आंसर। इसको सबट्रैक्ट मत कर देना, 62 − 20 मत कर देना, नहीं हो सकता, वो 20 के साथ √6 है तो माइनस नहीं हो सकता। सब क्वेश्चन 4 √5 + 3√7, सो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू इंटू फोर इंटू थ्री इज 24, √5 × √7 इज √35, 3² इज 9 × 7, 16 × 5 = 80, 9 × 7 = 63,
डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट मीन्स बेसिक मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 - √5, 3 + √5। तो यहां पे तो फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b। व्हाट इज a + b a - d? a² - b² वी नो द फॉर्मूला a + b * a - b इज a² - b². तो दिस इज 9 - 5, √5² = 5, सो आंसर इज 4। सिंपल। फर्स्ट एंड सेकेंड सिंपल था, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड में फॉर्मूला बन रहा था a² - b² पर उसके आगे वाले सम्स में फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो फॉर्मूला नहीं बन रहा मीन्स आपको नॉर्मल ब्रैकेट्स ओपन करने। हम ब्रैकेट्स ओपन कैसे करते हैं? जो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो सेकेंड टर्म होता है उसे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं समझाता हूँ, देखो 7√3 * पूरा ब्रैकेट सेकेंड वाला 5√3 + 1, 7√3 * दिस फुल ब्रैकेट, करेक्ट। देन सेकेंड क्या है? -4, सो -4 * फुल ब्रैकेट 5√3 + 1। समझ रहे हैं ना? ओपन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे? 7√3 को 5√3 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? पहले नंबर को नंबर से, रूट को रूट से। तो 7 * 5 क्या होगा? 35, और √3 * √3 = 3, करेक्ट। अब 7√3 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन बीच में प्लस की है तो ये 7√3 ही रहेगा, ठीक है, ओके। अब ये -4 * 5√3, सो -4 * 5 = -20√3। अब ये -4 * 1, -4, करेक्ट। ये 7√3 - 20√3, 7√3 - 20√3, 7 - 20 - 13 होता है, 7√3 - 20√3 माइनस हो जाएगा, तो 7 - 20 - 13 होता है, ठीक है, -4। अब 105 - 4 = 101। This is your final answer.
किया फोर्थ किया रूट टू इनटू फुल सेकंड ब्रैकेट प्लस द सेकंड टर्म इज 3√11 इनटू सेकंड ब्रैकेट नाउ रूट टू इनटू 5√2 सो नंबर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे सो 5 ही रहेगा और रूट टू इनटू रूट टू हो जाएगा देखो यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है तो 1 × 5 1 ही है नंबर और √2 × √2 = 2 देन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस टर्म विद दिस टर्म सो 1 × −2 तो -2 ही है एंड √2 × √11 √2 × √11 इज √22 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना √2 × √11 तो 2 और 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3√11 × 5√2 तो 3 × 5 = 15 √11 × √2 इज अगेन √22 माइनस 3√11 × 2√11 सो 3 × 2 इज 6 √11 × √11 इज √11 × √11 इज 11 121 का स्क्वायर रूट 11 ही होता है ठीक अब −2√22 + 15√22 −2√22 प्लस 15√22 सो −2 + 15 ये दोनों का रूट नंबर सेम है ना तो एड सब्रैक्ट हो सकता है सो −2 + 15 + 13 + 13√22 − 66 नाउ 10 − 66 ठीक मल्टीप्लाई कैसे करेंगे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई 3 × 4 = 12 एंड √2 × √6 × √6 विल गिव मी 6 देन 3√6 × −3√2 सो 3 × −3 इज -9
रूट सिक्स इंटू रूट टू इज रूट 12। माइनस फाइव रूट टू इंटू फोर रूट सिक्स, सो माइनस फाइव इंटू फोर इज 20, रूट टू इंटू रूट सिक्स इज रूट 12, माइनस माइनस प्लस, फाइव इंटू थ्री इज 15 एंड रूट टू इंटू रूट टू इज 2, सो 12 सिक्स आर 72, माइनस नाइन रूट 12 माइनस 20 रूट 12, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो माइनस नाइन माइनस 20 इज माइनस 29 रूट 12 प्लस 15 टू जा 30, 72 प्लस 30 इज 102। यस यस यस, तो यहां तक किया हमने। अब इसके बाद आपको देखना है दैट इज ए रूट 12 है, ये रूट 12 सिंप्लीफाई हो सकता है, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3, सो ये 2 का पेयर बन गया, सो एक 2 बाहर आ जाएगा, करेक्ट, एंड यू विल गेट 102 माइनस 58 रूट 3, दिस विल बी योर आंसर। नहीं निकाल सकते, 22 क्या होता है, 2 इंटू 11, पेयर बनेगा ही नहीं, जहां पे भी बन सकता है वहां निकालना ही पड़ता है। तो